हेलो गाइस, मैं रश्मि हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो प्याज की पकौड़ियाँ तो सभी बना के खाते हैं, तो क्या कभी आपने चटपटी प्याज की पकौड़ियाँ बनाई हैं? तो आज हम बनाएंगे चटपटी प्याज की पकौड़ियाँ। तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और बने रहना होगा खाना का जाना भाई रश्मि के साथ। एक छोटी कटोरी बेसन, जिसे मैंने पानी में डाल के अच्छी तरीके से भिगा दिया था और ये अच्छी तरीके से फूल गया था। फिर मैंने 3 प्याज लंबी लंबी कट करके इसमें ऐड कर दिया। लहसुन, अदरक और काली मिर्च का पेस्ट डाल दिया है और एक बड़ी हरी मिर्च, जिसे मैंने अच्छी तरीके से खून के डाल दिया है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, होममेड गरम मसाला 1 चम्मच, थोड़ा सा सब्जी मसाला डालेंगे और 1/2 चम्मच खटाई पाउडर डालेंगे। फिर ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार और फिर इन सबको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अगर आपको बेसन कम मात्रा में लगता है तो बाद में इसमें ऐड कर सकते हैं, और उस बेसन में आप थोड़ा सा हिनो डाल देंगे तो रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब हम इसकी बनाएंगे पकौड़ी और तेल में तलेंगे। तो तेल को मैंने गैस पे चढ़ा दिया था, जिससे तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। तो मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके हाथ से ही डाल दिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो हम इसी तरीके से पकौड़ियाँ कढ़ाई में डाल देंगे और जब नीचे के साइड अच्छी तरीके से पक जाएगी तब हम इसे कलछी की मदद से पलट देंगे। तो गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, क्योंकि मीडियम फ्लेम पे पकौड़ियाँ अच्छी तरीके से तलती हैं और साथ ही क्रिस्पी भी होती हैं। तो पकौड़ियों को अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पर तल लेना है। तो कभी कभी बारिश वगैरह होने लगती है और हमारा प्याज का पकौड़ियाँ खाने का मन करता है, तो ये जो मैंने बेसन फुला के रखा था इससे ज़्यादा फेंटना भी नहीं पड़ता है। बट आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा इनो ऐड करिए, आपका बेसन काफ़ी अच्छी तरीके से फूल जाएगा बहुत ही कम टाइम में और आपकी पकौड़ियाँ बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो प्याज की पकौड़ियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से तल गई हैं और काफ़ी परफेक्ट सा कलर आ गया है। अब हम इसे कलछी की मदद से तेल से बाहर कर लेंगे और इसे हम चाय के साथ गर्मा गर्म खाएंगे तो काफ़ी टेस्टी लगेगी। और आप ये रेसिपी अपने फैमिली वालों को बनाइए और खिलाइए और इन्जॉय कीजिए, और क्रिस्पी चटपटी पकौड़ियाँ प्याज की खुद भी खाइए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ये चटपटी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट जरूर से ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, मैं रश्मि हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है आजकल, तो चलिए इस बारिश में इंजॉय करते हैं आलू और प्याज के पकौड़े, और आप बने रहिए खाना खजाना भाई रश्मि के साथ। तो चलिए बनाते हैं पकौड़ी। तो सबसे पहले लिया मैंने एक बड़ी प्याज, जिसे मैंने अच्छी तरीके से धुला और बारीक बारीक कट कर लिया, और फिर लिया एक बड़ी आलू, जिसे मैंने अच्छी तरीके से धुला और बारीक बारीक उसे भी कट कर लिया। अब मैंने लिया है थोड़ा सा कद्दूकस की हुई अदरक और थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ लहसुन और 2 बारीक कटी हुई मिर्ची, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर अगर आपको तीखा पसंद है तब ऐड करिए, थोड़ा सा काली मिर्च और डालेंगे थोड़ा सा ज़्यादा चाट मसाला, और फिर इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच धनिया पाउडर और फिर ऐड कर देंगे नमक। नमक हमें स्वाद अनुसार ऐड करना है, और फिर ऐड करेंगे हम 1 बड़ी कटोरी बेसन, और फिर इन सबको अच्छी तरीके से पहले मिला लेंगे। और थोड़ा सा जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे तो हमें बेसन का क्वांटिटी भी पता चल जाएगा कि कितना हमें बेसन और ऐड करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम एक बड़ा सा कटोरी लेते हैं और इसमें बेसन डालते हैं तो हमारी पकौड़ियों में ज़्यादा बेसन ही रहता है, तो हमें पकौड़ियों में ज़्यादा बेसन नहीं जाए इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना चाहिए। तभी मैंने थोड़ा सा उसी कटोरी से 1/2 कटोरी और बेसन लिया और अच्छी तरीके से हाथों से मिला दिया। तो अभी हमने पानी बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया, वो जो पहले ऐड किया था बस उसी में हमारा अच्छी तरीके से काम चल गया। तो बस हाथों की मदद से हम छोटे छोटे से गोले तैयार कर लेंगे और इसी तरीके से पकौड़ियाँ बनाएंगे। तो अभी मैंने गैस पे रख दिया था तेल, तो ये मैंने सरसों का तेल लिया है, और तेल
चेक करने के लिए मैंने छोटा सा टुकड़ा डाल दिया था। तो जब ये ऊपर आ गया तो समझ लीजिए तेल अच्छी तरीके से पक गया है। तो हम पकौड़ियों को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके ऐड कर देंगे और फिर हम इसे नीचे अच्छी तरीके से पकने देंगे। साथ ही हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। हम हाई फ्लेम पे अगर इसको कुक करेंगे तो ये अंदर तक नहीं पकेगी, और जो पकौड़ियाँ होती हैं वो मीडियम फ्लेम पे काफ़ी अच्छी तरीके से पक जाती हैं और काफ़ी क्रिस्पी भी हो जाती हैं। तो जब नीचे के साइड अच्छी तरीके से पक जाएगा तब हमें कलछी की मदद से इसे पलट लेंगे। तो पकौड़ियों को हमें पहले तो नहीं चलाना पड़ता है, बट जब पकौड़ियाँ दोनों साइड से अच्छी तरीके से पक जाती हैं तब हम इसे कलछी की मदद से कॉन्टिन्यूसली चलाएंगे, जिससे हमारी पकौड़ियाँ हर तरफ से अच्छी तरीके से पक जाएँ और साथ ही परफेक्ट कलर आ जाए और क्रिस्पी भी हो जाएँ। तो जब क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए और परफेक्ट कलर आ जाए तब हम इसे तेल से निकाल लेंगे और फिर हम बाकी बची पकौड़ियों को तैयार कर लेंगे। तो हमारी आलू और प्याज की क्रिस्पी वाली पकौड़ी रेडी है और खाने में ये काफ़ी टेस्टी लगती है। आप भी अपने घर पे अपने परिवार वालों के लिए बनाओ और बारिश का मज़ा लो। तो रेसिपी बनाने के बाद अच्छी लगे तो कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।